नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कल पीजीटी केवीएस की असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की थी, बच्चे उसमें भी डाउट कर रहे थे, तो उसमें एज भी पूछे थे, जो कि मैंने बताई थी उसमें एज है 40 ईयर्स। ठीक है, कितनी है? 40 ईयर्स है, 40 साल है, और जो उसका 50% है वो जो एमए में सब्जेक्ट्स है आपका या पीजी में जो सब्जेक्ट है वो 50% होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं टीजीटी, जो बहुत ही असेंशियल है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप सब लोग गलती कर जाते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका लेवल 7 है, जो पे मैट्रिक्स है, जो न्यू पे कमीशन के अनुसार वो है 44902 1,42,400। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, इसमें एग्रीगेट में बीए में 50% मार्क्स होने चाहिए, जो आपने सब्जेक्ट हैं आपके सभी में 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं एग्रीगेट में। सबसे पहले है ग्रेजुएशन, फिर बीएड होनी चाहिए, फिर आपका सी टेट होना चाहिए, सी टेट नंबर 2 जूनियर वाला। अब बात करते हैं कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत एंड मैथ, ये हैं आपके मेन सब्जेक्ट हैं जो 6 हैं। फिर 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पी एंड एच ई, आर्ट एजुकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये हैं 3 मिसलेनियस। अब हम बात करेंगे अलग अलग इसमें आपको क्या चाहिए। सबसे पहले है हिंदी, हिंदी में आपको 3 साल हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तब आप हिंदी एसएसटी के लिए यानी कि टीजीटी के लिए आप एलिजिबल होंगे। एसएसटी के लिए बाद में बताएंगे, सोशल साइंस के लिए। और ऐसे ही सेम जो 3 लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन तीनों में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में 3 साल ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़नी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और आपके जो इनका परसेंटेज है ग्रेजुएशन का, वो एग्रीगेट में 50% होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपकी और सी टेट 2 होना चाहिए, और आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये हो गया हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का। अब है सोशल साइंस, जो सबसे मेन है। इसमें देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसमें आपका जो ये सब्जेक्ट दिए हैं मैंने, ज्योग्राफी, इको एंड पोल साइंस, एक सब्जेक्ट इनमें से और एक सब्जेक्ट आइदर हिस्ट्री और आइदर ज्योग्राफी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि 3 साल पढ़ा हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरे कॉम्बिनेशन के लिए इसके बाद। ठीक है, अभी आप फौरी तौर पर समझ लीजिए क्या है इसमें, फिर गहराई में मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा। फिर है साइंस में, साइंस में आपके पास में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होने चाहिए विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। फिर है आपका मैथ, मैथ है आपका बैचलर डिग्री इन मैथ, ठीक है, मैथ तो होना है ही, विद एनी 2 सब्जेक्ट इनमें होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट हो, और 2 सब्जेक्ट हो इनमें से 2, 4 में से 2 और एक मैथ आपका है ही, विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये था आपका टीजीटी का कॉम्बिनेशन। जो एसएसटी के लिए है वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सब लोगों को समझना चाहिए, और लंबी वीडियो बनाने का मतलब है आप सब लोगों का टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एसएसटी टीजीटी के कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।